लगभग 15 दिनों का एक ट्रैवल जर्नी, 15 दिनों का, हाँ 15 दिनों को मान सकते हो, 15 दिनों का ट्रैवल जर्नी मैं नॉर्थ बंगाल पे किया, हनी बी कीपर्स के साथ अलग अलग रूरल गांव पे गया, बॉर्डर पे और भी अलग अलग नॉर्थ बंगाल के गांव पे। सो आज मेरा लास्ट डे है नॉर्थ बंगाल पे, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कोलकाता, कोलकाता से वीज़ा लेंगे, फिर वीज़ा लेने के बाद जो नेक्स्ट अपडेट होगा उसके बारे में बताएंगे, कितना दिन का वीज़ा मिला, वीज़ा में क्या क्या बोला है, ये सारा चीज़ के बारे में। सो अभी तक मेरे को वीज़ा का कुछ अपडेट नहीं मिला है, लेकिन 15 दिन लगभग हो गया है, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गया है। मेरे को बोला था कि 15 दिन के बाद वीज़ा मिल जाएगा, सैटरडे संडे और कोई भी हॉलीडेज को छोड़ के, तो उस हिसाब से मैं अभी जा रहा हूँ वीज़ा ऑफिस। वीज़ा ऑफिस जाने के बाद मैं अपना वीज़ा कलेक्ट करूँगा, मेरा पासपोर्ट भी वीज़ा ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, तो वहाँ से पासपोर्ट और वीज़ा लेने के बाद कौन सा बॉर्डर से एंट्री करता हूँ, कैसे एंट्री करता हूँ, कितना मनी एक्सचेंज करता हूँ, कैसे सिम मिलता है, ये सारा चीज़ के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। उसके पहले मैं कुछ कुछ ब्लॉग मिस कर चुका हूँ, तो वो सारा ब्लॉग भी मैं डाल देता हूँ नॉर्थ बंगाल का, शायद वो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मेरा कुछ फुटेज डिलीट हो गया है, तो उस फुटेज जैसा है उसको मैं उसी तरीके से ब्लैंक ब्लैंक करके स्टोरी बना के अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, फिर पूरा जो कंटेंट है फिर एक के बाद एक ब्लॉग आता रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक का ट्रैवल जर्नी। अभी जैकेट पहने हुए हैं, उधर जाएंगे तो गर्मी लगेगा बट यहाँ पे तो ठंडी है। सो आई एम स्टार्टिंग माई ट्रिप। हम लोग अभी रात रात को जा रहे हैं स्टेशन, और मेरे को यहाँ पे टोटो चलाने का मौका मिला है, तो मैं अभी चला रहा हूँ यहाँ पे टोटो, जिसका स्पीड काफ़ी अच्छा है, बैटरी में चार्ज भी नहीं है। और हम लोग ऐसे वेस्ट बंगाल का जो गांव का रास्ता है उस गांव के रास्ता के थ्रू जा रहे हैं स्टेशन तक। अभी भी वेलकम टू नॉर्थ बंगाल। हाँ धीरे धीरे जा रहे हैं, नो टेंशन, अभी नहीं ले, ये छोड़ देना, पूरा माय ब्रेक पकड़ेगा, ठीक है, ये छोड़ने का, ये छोड़ने का, एकदम ढीला करो, धीरे धीरे चलो, ढीला ढीला सब ढीला है, भैया को बराबर सीखा है, लेकिन हम हैवी रिलैक्स है ना। मेरा 20 डेज का नॉर्थ बंगाल का टूर खत्म हुआ, और मैं यहाँ से अभी ट्रेन से जा रहा हूँ कोलकाता वापस वीज़ा लेने के लिए। श्रीमान तो और उसका भाई आया है ड्रॉप करने के लिए स्टेशन, और मेरा जो टिकट था वो कितना का था, मेरा जो टिकट था जनरल टिकट 140 रुपीज़ का था। और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है, जो ट्रेन अभी इधर से जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। ये हिली बॉर्डर है नज़दीक, हिली बॉर्डर के थ्रू सारे लोग क्रॉस करके आते हैं, फिर क्रॉस करके इंडिया का अलग पार्ट पे जाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। इंडिया इज़ फेमस फॉर मेडिकल टूरिज्म बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया पे घूमना भी हो जाता है और इधर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बेटर है। कुछ पोजिशन सबसे पीछे है डब्बा, जनरल डब्बा सबसे पीछे है, सामने में 3 या 4 है और पीछे 3 या 4 है। ये जो नॉर्थ बंगाल का ट्रेन है, ये नॉर्थ बंगाल का ट्रेन में एक खासियत है, इधर डीजल इंजन चलता है अभी तक, मालदा के बाद से मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन। मेरे को एकदम पीछे वाला डब्बा के लिए वेट करना है, और ज़्यादा जहाँ पे भीड़ होगा वही होगा जनरल डब्बा। कौन देखे, चलो पीछे की तरफ चलते हैं, पता है आगे आगे खोलो, देखो हमको सीट मिल गया, ये चाचा है, चाचा के साथ थोड़ा मजा लेंगे हम जाने टाइम। कैसा तो बात है, हाँ क्या बात है, हम तो है बोलते है भाई 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 पास हो रहा हूँ, हाँ पास हो रहा अच्छी चाचा, हाँ चाचा भाई टाटा टाटा, ओके टाटा। क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम वीडियो बना रहे हैं, हम अभी बांग्लादेश से आए ना, हाँ केड़ा मामा, आप तो पबना का आदमी है, कहाँ का, पबना का, और आप लोग इलिश माछ खाते हैं, हाँ खाता है, हाँ कोनो समस्या नहीं, कोनो समस्या नहीं, नहीं है केड़ा मामा, केड़ा केड़ा, हाँ केड़ा ना बालूगढ़, केड़ा 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 मामा, केड़ा मामा गुड सर, ओके ओके ओके, हम मोदा का भाई है, मोदा का भाई है, आपका क्या नाम है, तपन भट्टाचार्य, अच्छा अच्छा, हैवी रिलैक्स, हैलिया हैवी रिलैक्स, हमें है मैं भी रिलैक्स, आप कहाँ तक जा रहे हैं, जिधर मन चाहेगा, जिधर मन चाहेगा, हाँ रिलैक्स हो गई बात, ओके ओके बात हो गई, ओके
और कुछ बोलता है? अभी थोड़ा देर के बाद बोलता है, अभी नहीं बोलता है, अभी हम थक गए हैं। नहीं वो गाना सुन रहे, उसको काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी आप कौन सा डोज दिए? 10-12 डोज हमारा घर में। कौन सा? पूरा खाता है, पूरा 15 वाला घोड़ा वाला, जो जो घोड़ा वो पिलाता है, घोड़ा वाला रेड 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 लाल रेड प्रोडक्ट। लाल तो रेड है, हकी बोलो। नहीं नहीं, अभी आप कौन सा वाला पिया है? हम हिंदी बोलेंगे, बंगला बोलेंगे। कहाँ जा कहाँ रहे हैं आप? हम कास्के कोर में। हाँ, कादेर खोजे जा। अगर आप उधर जाके खो गए तो? हाँ, उधर आप खो गए तो? खो गए तो पूरा बोलेगा कुका। তোমাকে পুলিশ ধরে ঢুকাবে কখনই কলকাতায়? গোপ্রা, ইয়েস। আমি বলি তুমি পাসপোর্ট ভিসা বের করছো নাকি? রোনাল্ডো না মেসি ভিড়কি ওড়ে? বাস, ভেরি গুড হ্যান্ডশেক, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি নাইস, হেভি রিল্যাক্স। ইংরেজিতে কথা বলবে নাকি তুমি? নো স্যার। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? রিক হোয়াটচার্জ। রিক হোয়াটচার্জ? টি হোয়াটচার্জ। ওকে ওকে। এই, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। পাবনা। শেখ হাসিনা ভাই। আই লাভ ইন্ডিয়া। এশিয়া। রুশ কি বলে? রুশ? আর পাকিস্তানি কি বলে? ইউ আর ফ্রম? ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। ইয়েস, আই অলসো লাভ ইন্ডিয়া। আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া। লাভ ইন্ডিয়া। কথা বাংলাদেশ। রাশিয়া মহাদেশ, রাশিয়া মহাদেশ, রুশ। সো ফাইনালি আই জাস্ট রিচ হাওড়া, আর মেরে কো জো চাচা মিলা থা, ও চাচা মেরে কো গুড বাই বল রে, একবার বল তো গুড বাই বলো চাচা। ये देखिए चाचा जो है मेरे से गुस्सा हो रहा है। हावड़ा स्टेशन के बाहर निकल गया, और हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मेरा जो प्लान है, हावड़ा से जाना है सियालदा, और सियालदा से मेट्रो लेके मेरे को जाना है सेक्टर 5, फिर मेरे को सेक्टर 5 जाना है। सेक्टर 5 पे बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस जो है, वहाँ से वीज़ा लेना है, और वीज़ा देखते हैं कितना दिन का मिला है। यह है कोलकाता का बड़ा बाज़ार, और शायद मेरे को सियालदा का बस मिल चुका है। यह वाला बस ही जाएगा सियालदा तक, बस पूरा खाली है। सियालदा चलो, चढ़ गए। अभी मैं बैठा हुआ हूँ सियालदा के बस पे, और कोलकाता का जो बस है वो काफ़ी सस्ता होता है भाई। इस पर मेरे को 10 रुपये में लेके चला जाएगा, मतलब कंपेरेटिवली पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता है कोलकाता में, इंडिया का दूसरे शहर के हिसाब से। मेरा बस राइड ख़त्म हो गया। बस राइड ख़त्म होने के बाद अभी जा रहे हैं सियालदा स्टेशन की तरफ, थोड़ा सा पैदल जाना है क्योंकि मेरे को आगे उतरना था, और मैं बस में बैठा रहा, बस अपने जगह पर आकर रुक गया, फिर मेरे को पता चला कि मैं अपना जो लोकेशन था उसको पीछे छोड़ दिया हूँ, तो वापस से मेरे को पैदल पैदल थोड़ा सा जाना पड़ेगा सियालदा स्टेशन की तरफ। ये ऊपर में फ्लाईओवर है, और उसके नीचे पूरा मार्केट है सियालदा स्टेशन के बाहर, और ये मैं पहुंच रहा हूँ सियालदा स्टेशन की तरफ। ये स्टेशन नहीं है, पूरा शॉपिंग मॉल है भाई सियालदा स्टेशन के बाहर, और यहाँ से अभी मेट्रो ले रहे हैं। ये सामने वाला जो है ये सियालदा मेट्रो है, ये मेट्रो लेके मेरे को सेक्टर 5 तक जाना है। हाँ पूरा दिखाएंगे। हाँ, हैवी रिलैक्स, चिल चिल। सियालदा मेट्रो के अंदर घुसते हैं, फिर यहाँ पे घुसने के बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 5, और फिर वीज़ा लेते हैं, फिर पता चलेगा बांग्लादेश का वीज़ा मेरे को कितना दिन के लिए मिला है, और मैंने
ये जो ब्रेक था, इस ब्रेक के दौरान पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर लिया मेरे को बांग्लादेश का कहाँ कहाँ पे जाना है, कौन सा स्पेसिफिक वीडियोस बनाना है, पूरा जो रूट चार्ट है मैंने डिज़ाइन कर लिया है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बाहर निकले हैं और उसके बाद मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस वीज़ा कलेक्ट करने के लिए, जो लगभग 1.3 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पे काफ़ी सारे IT कंपनी के ऑफिस है और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे सेक्टर पे मोस्टली ऑफिसेस ही हैं। मेरे को रोड क्रॉस करना पड़ेगा, 1.3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा एंड देन मेरे को वीज़ा के लिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो पता चलेगा कितना दिन का मेरे को मिला है। वाओ, ऑटोमेटिक ट्रैफिक गेट। ये सामने ही था सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का मेट्रो स्टेशन। थ्री किलोमीटर आई डोंट वांट टू व्लॉग, कल रात से मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो पैदल पैदल जाते हैं, वीज़ा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वीज़ा ऑफिस के सामने थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, फिर वीज़ा लेने के बाद थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे कि अपडेट हुआ वीज़ा। वीज़ा ऑफिस का गेट में जैसे ही पहुँचे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो मैं बोला कि मेरे को वीज़ा ऑफिस जाना है और वहाँ पे मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट मेरे को लेना है और बांग्लादेश का जो वीज़ा है वो वीज़ा कलेक्ट करना है। उन्होंने बोला कि जाओ आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और आपको आपका वीज़ा जो है मिल जाएगा। और मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप कहाँ से आए हो क्या ऐसे करके, तो उन्होंने पहले बोला कि मेरे पास ये जो हेवी बैकपैक्स है ये अंदर आप नहीं लेके जा सकते हो, फिर मैं बोला कि नहीं मैं इसको बाहर भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं पूरा एकदम 2 बैकपैक्स अंदर लेके गया। और अंदर लेके जाने के बाद मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप सबसे पहले आपका जो रिसिप्ट है, मतलब मैं जब वीज़ा लेने के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम उन्होंने एक मनी रिसिप्ट दिया था, तो उसको दिखाने के लिए बोला, तो मैंने उसको दिखाया और दिखाने के बाद उन्होंने मेरे को एक टोकन कट के दिया। और टोकन जैसे ही कट के दिया, मैं उस टोकन को लेके अंदर सिक्योरिटी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक होने के बाद मैं उसके बाद वीज़ा कलेक्शन रूम पे गया और उस रूम पे जाने के बाद मेरे से पूछा गया कि मेरा मनी रिसिप्ट जो है वो देने के लिए और टोकन देने के लिए, तो मैंने सारा चीज़ दिया। और फिर वो जो रिसिप्ट था उसके नीचे थोड़ा सा पार्ट था जहाँ पे मेरे को रिसीवर्स कॉपी करके एक सिग्नेचर करना था, तो उन्होंने मेरे को सिग्नेचर करवाया, मैंने वीज़ा लिया। वीज़ा लेने के बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि मेरे को फाइनली वीज़ा मिल चुका है और फिर मैंने वहाँ से वीज़ा उठाया और उठाने के बाद अभी मैं वीज़ा सेंटर के बाहर बैठा हुआ हूँ। और आगे का जो प्लान है ये थोड़ा सा मेरे को पता नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि मैं 15 दिनों से घर से बाहर हूँ, थोड़ा सा होम सिकनेस टाइप फील आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि मैं 1-2 दिन घर घूम के आऊँ और फिर मैं बांग्लादेश निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे को 3 months का वीज़ा मिला है, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, कभी भी मैं 3 months के अंदर बांग्लादेश जा सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट माई व्लॉग और आगे भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ के बारे में पूरा अपडेट बताएंगे।